हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो अभी बनाने जा रही थी, मेरी सासू माँ घर पे आई हुई हैं और मैं उनके लिए बनाने जा रही थी बिना लहसुन प्याज की गोभी की जूसी सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्पाइसी बनने वाली है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आलू और गोभी की बिना लहसुन प्याज की आप किस तरह से सब्जी बना सकते हो कि बहुत ही चटपटी स्पाइसी बने और वो भी बहुत ही जूस वाली सब्जी। तो मैं वही सब्जी आज बनाऊंगी। तो मैंने ये लिया है गोभी, कॉलीफ्लावर, जिसको मैंने धो लिया है, पहले से ही धोया हुआ है ये, और आलू को जो पीलिंग करके आलू को भी मैंने धो लिया है, और ये दी हैं दो मैंने बड़ी वाली मिर्ची। तो मैं सबसे पहले ये गोभी, आलू और ये मिर्ची को काट लेती हूँ। तो मैं इस तरह के पीसेस कर लेती हूँ, जिस तरह के आप चाहें उस तरह से काट सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं आप, उनके लिए चटपटी स्पाइसी रेसिपी ये गोभी की सब्जी कैसे बना सकते हो। तो गोभी मैंने काट लिया है, इसके बाद में मैंने ये लिया है एक बड़े साइज का आलू लिया है। तो मैं आलू को भी काट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, जैसा आपको किसे पसंद हो वह आप वैसा काटें। तो मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। तो आलू गोभी काट ली है मैंने, इसके बाद में मैं ये मिर्ची भी काट लेती हूँ। तो इनको भी मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का टेस्ट अच्छा लगता है। तो हरी मिर्ची को भी काट लिया है, आलू गोभी हरी मिर्ची को काट के मैंने कर देती हूँ एक साइड में। और ये लिया है मैंने दो टमाटर लिए हैं और दो हरी मिर्ची, और थोड़ा सा लिया है मैंने ये जिंजर पीस, अदरक का टुकड़ा। तो मैं सबसे पहले मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं दो टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची, इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ताकि इसके लिए मुझे एक अच्छी ग्रेवी रेडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ पहले। तो टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको भी मैं रख देती हूँ एक साइड में। और ये लिया है मैंने कोरिएंडर लीव, धनिया लिया है, तो मैं धनिए को भी काट लेती हूँ। तो मैं धनिए को भी काट लेती हूँ थोड़ा सा बारीक बारीक, और ये गार्निश के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। और इस तरह से मैं धनिया भी काट लेती हूँ थोड़ा बारीक बारीक। तो सब्जी कट के रेडी हो चुकी है, और टमाटर और हरी मिर्ची अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए, और कोरिएंडर लीव धनिया को भी मैंने काट के रेडी कर लिया है। तो अब बनाते हैं इसकी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है इसमें, आप इसे किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हो। तो मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया गरम, तो मैं डालती हूँ इसमें क्यूमिन सीड, जीरा डाल देती हूँ, एक चुटकी हींग। तो हींग जीरा हो गया है हल्का गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैं डालूंगी ये 1 स्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, तो हल्दी डाल देती हूँ। और साथ में ही डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची की ग्रेवी, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची आप जितना खाए उतना डालें, गरम मसाला, धनिया पाउडर। और इस सब को डालने के बाद मैं कर लेती हूँ इसको मिक्स, और मैं इस सारे मसालों को अच्छी तरह से पकाऊंगी। ओके, तो मैं इस पर ढक्कन डाल देती हूँ, और जब तक कि मसाला ऑयल से अलग नहीं हो जाता है तब तक मुझे इसे पकाना है। तो मैं डालती हूँ इस पर ढक्कन, तो इस पर डालती हूँ मैं ढक्कन। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं मसाले की कंडीशन, मसाला भुना है या नहीं भुना है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास लाके, देखिए जो भी ऑयल था वो मसाले से ऊपर आने लगा है। देखिए आपको दिखा देती हूँ, मसाला और ऑयल अलग होने लगा है, इसका ये सिग्नल होता है कि मसाला भुन के हो गया है एकदम रेडी। ओके, तो मसाला बिल्कुल भुन चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू देने लगा है। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, मसाले ज़्यादा खाते हैं, तो आप इसमें मसाला और ऐड कर सकते हो। क्योंकि मेरी सासू माँ मसाले बहुत कम खाती हैं, तो मैंने इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं। तो मसाला ग्रेवी हो गई है भुन के रेडी, तो मैं इसमें डालती हूँ कटी हुई सब्जी गोभी आलू, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देती हूँ नमक। और इसके बाद में मैं डालूंगी ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ये सब्जी जूसी बनाने वाली हूँ। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो ज़्यादा सूखा नहीं खा पाते हैं, तो सब्जी मैं थोड़ी जूसी बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने डाल दिया है इसमें 1 गिलास पानी, और इसको कर देती हूँ मिक्स। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और देखिए मैं इसका डालती हूँ ढक्कन, और इसको मीडियम फ्लेम पर मैं धीरे धीरे पकाऊंगी। तो पकने देते हैं इसे।
तो हो गए हैं 4-5 मिनट। तो और एक बार मैंने बीच में ऐसे मिक्स भी कर दिया था, तो चेक करते हैं सब्जी की कंडीशन। तो देखिए मैंने हटा दिया है इसका ढक्कन, और देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, और देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस का यूज़ किया है। अगर लेकिन जब आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सब्जी एकदम चटकदार बनेगी। तो मैं इसका एक आलू का पीस चेक कर लेती हूँ इधर रख के, और देखिए सब्जी बिल्कुल गल चुकी है। और मैं एक आलू और लेती हूँ, उसे भी चेक करती हूँ। देखिए सब्जी बिल्कुल गल चुकी है, आलू एकदम गल चुका है। सब्जी में आलू पड़े हों तो आप आलू से ही सब्जी को चेक कीजिए। और देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है, गैस मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद मैं फाइनली डालती हूँ इसमें कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ, और देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। और इसकी प्लेटिंग करती हूँ, तो इसे पलटती हूँ मैं एक कटोरी में, और देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है और एकदम जूस वाली। आप इस सब्जी को ट्राई जरूर कीजिएगा, बिना लहसुन प्याज की बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी है ये। तो बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी बन के रेडी हुई है, और आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। और इस तरह से आप जूस वाली सब्जी बना सकते हो बिना लहसुन प्याज वाली। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, मुझे भी ये सब्जी बहुत पसंद है। लहसुन प्याज की सब्जी खाते हैं तो उसमें अलग टेस्ट आता है, और इस सब्जी में अलग टेस्ट आता है। और देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, पास ला के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा रेसिपी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर।